सबसे पहला विदेशी आकर के इस देश में सभी विदेशियों को बुलाए और सभी से 40% हिस्सा लिया। आप लोग ये सोचिए कि ये भारत गुलाम रहा और बहुत विदेशी आए और वो अपने आप चले गए, कोई लड़ाई नहीं हुई। इस चीज का अनुभव लगाइए, केवल अंग्रेजों से क्यों हुई? इसका मतलब जानिए कि जो सबसे पहला विदेशी आया वो दूसरे विदेशियों को बुलाया और देश को खूब लुटवाया और सबसे 40% हिस्सेदारी लिया। और इसके बाद क्या हुआ? जब अंग्रेजों से 40% हिस्सेदारी मांगी गई तो अंग्रेजों ने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो क्या हुआ? आजादी के नाम से किसान बैल के गले में एक घंटी बांध दिया करते, तो रात को चोर आता है तो चोर बहुत होशियार था, वो एक चोर घंटी को काट लेता है तो घंटी लेकर के वो पश्चिम की तरफ घंटी बजाते जाता है और चोर बैल को लेके पूरब की तरफ भाग जाते हैं। तो कुछ दूर गांव वाले जब इकट्ठा हुए तो घंटी की आवाज सुनकर पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, तो वो भागने के बाद वो घंटी वाला कुछ दूर जाने के बाद फेंक देता है घंटी और वो भी भाग जाता है। तो गांव वालों के हाथ में क्या आया? घंटी आई, बैल नहीं आए। इसी तरह इस देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की मुद्दा हाईलाइट करके, ये मनोमीडिया हाईलाइट करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, लेकिन जो असली मुद्दा है जाति आधारित गिनती के नाम सांप सूंघ जाता है। जाति आधारित गिनती कराने के लिए बड़े बड़े जो इस देश के षड्यंत्रकारी हैं, अरे जाति आधारित गिनती कराने से देश में बवाल हो सकता है, देश में अशांति फैल सकती है, ऐसे बयान देते हैं, लेकिन असली चीज नहीं बताते हैं कि किसी जाति के तो 50 कलेक्टर हैं, किसी जाति का एक भी नहीं है, किसी जाति के 100 जज हैं, किसी जाति का एक भी नहीं, किसी जाति के यहाँ 1000 कप्तान हैं, किसी जाति यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी को भिड़ा दिया गया तो शहीद कौन होए? SC ST OBC के लोग शहीद होए, चाहे झलकारी बाई कोरी रही हो, चाहे उदा बाई पासी रही हो, चाहे अवंती बाई लोधी रही हो, लाखों की संख्या में लोग शहीद होए। तो ये शोध करने के बाद निकाला कि इस देश में जाति आधारित गिनती होना चाहिए, और जाति आधारित गिनती होने के बाद अनुपात के हिसाब से सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलना चाहिए जो हमको नहीं मिल रही। अब होता क्या है, जैसे 100 लोग 100 परिवार हैं और 100 किलो अनाज है तो सबको एक एक किलो मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं मिलता, उसमें ताकतवर लोगों को तो 10-10 किलो मिल जाता है, 5-5 किलो मिल जाता है, और जो कमजोर हैं वो भूखे रह जाते हैं। तो वही हालत इस भारत में है। तो साथियों, सबसे पहला विदेशी आकर के इस देश में सभी विदेशियों को बुलाए और सभी से 40% हिस्सा लिया। आप लोग ये सोचिए कि ये भारत गुलाम रहा और बहुत विदेशी आए और वो अपने आप चले गए, कोई लड़ाई नहीं हुई।
इस चीज का अनुभव लगाइए, केवल अंग्रेजों से क्यों हुई, इसका मतलब जानिए कि जो सबसे पहला विदेशी आया वो दूसरे विदेशियों को बुलाया और देश को खूब लुटवाया और सबसे 40% हिस्सेदारी लिया। और इसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेजों से 40% हिस्सेदारी मांगी गई तो अंग्रेजों ने मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो क्या हुआ, आज़ादी के नाम से यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी को भिड़ा दिया गया। तो शहीद कौन हुए, SC ST OBC के लोग शहीद हुए, चाहे झलकारी बाई कोरी रही हो, चाहे उदाबाई पासी रही हो, चाहे अवंतीबाई लोधी रही हो, लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहुत सरकारें काला धन की बात करती थी आने के टाइम, लेकिन जब स्विस बैंक से उसकी लिस्ट आ गई तो बोलती बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हीं परसेंटेज लेने वालों का धन विदेश में जमा है। तो ये सरकार कहा था कि 15-15 लाख मिलेगा, 15 पैसा हवा का, और इतना धन है कि 15-15 करोड़ भी एक एक परिवार को दिया जाए तब भी धन खत्म नहीं होगा। तो इस तरह के देश में बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले लोग बैल पालते थे, ट्रैक्टर नहीं थे तो खेती करते थे, तो किसान बैल के गले में एक घंटी बांध दिया करते, तो रात को चोर आता है तो चोर बहुत होशियार था, वो एक चोर घंटी को काट लेता है, तो घंटी लेकर के वो पश्चिम की तरफ घंटी बजाते जाता है और चोर बैल को लेके पूरब की तरफ भाग जाते हैं। तो कुछ दूर गांव वाले जब इकट्ठा हुए तो घंटी की आवाज सुनकर पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, तो वो भागने के बाद वो घंटी वाला कुछ दूर जाने के बाद फेंक देता है घंटी और वो भी भाग जाता है। तो गांव वालों के हाथ में क्या आया, घंटी आई, बैल नहीं आए। इसी तरह इस देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की मुद्दा हाईलाइट करके, ये मनो मीडिया हाईलाइट करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है, लेकिन जो असली मुद्दा है जाति आधारित गिनती के नाम सांप सूंघ जाता है। जाति आधारित गिनती कराने के लिए बड़े बड़े जो इस देश के षड्यंत्रकारी हैं, अरे जाति आधारित गिनती कराने से देश में बवाल हो सकता है, देश में अशांति फैल सकती है, ऐसे बयान देते हैं, लेकिन असली चीज नहीं बताते हैं कि किसी जाति के तो 50 कलेक्टर हैं, किसी जात का एक भी नहीं है, किसी जात के 100 जज हैं, किसी जात का एक भी नहीं, किसी जात के यहाँ 1000 कप्तान हैं, किसी जात का एक भी नहीं। तो इसीलिए माननीय वामन मेश्राम जी ने बहुत ही सोच समझ करके इस मुद्दे को उठाया है और ये मुद्दा आज राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और ये बहुत जल्दी ही जाति आधारित गिनती होगी, और जब तक नहीं होगी तब तक ये माननीय वामन मेश्राम जी का संगठन शांत बैठने वाला नहीं है। तो सभी को हिस्सेदारी मिलेगी, आप लोग तन मन धन से लड़ना चाहिए। आजकल जानते हो पहले के महापुरुष आपके तो तलवारों से लड़ते थे, तोपों से लड़ते थे, बंदूकों से लड़ते थे, लेकिन आजकल वो लड़ाई नहीं है, आजकल संविधान की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, आंदोलन की लड़ाई है,
तो इसके लिए माननीय वामन मिश्राम जी का संगठन बहुत मजबूत है, पूरे देश में काम करता है। और इस लड़ाई को जब तक कामयाब नहीं होगा, ये संगठन कभी चुप नहीं बैठेगा। जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।